hello and welcome to today's session myself professor Roshan Yerne from electrical department NIT Polytechnic Nagpur so student in the last video we learn about the flat type solar collector so in there we learn how the solar collector can work how the convert that solar energy into the heat energy by using the solar collector so today we learn about the concentrated type of solar collector so first we start the video with the course outcome and learning outcome the course outcome is maintain the optimized working of solar and biomass based power plant and the learning outcomes are after completing this video, you should be able to understand the operation of concentrated solar power plant and elaborate the various types of concentrated solar collector. So, in a last video, we learn already the various types of the concentrated solar collector. So, we elaborate all this in this video. So, first we learn various types of the parts of कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर थर्मल पावर प्लांट जो कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर थर्मल पावर प्लांट होता है या कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप का सोलर कलेक्टर इसमें जो बेसिक मेन पार्ट होते हैं वो सबसे पहला मेन पार्ट होता है कॉन्सेंट्रेटर कॉन्सेंट्रेटर क्या करता है कि सारे रेज को एक साथ कलेक्ट करके एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है रिसीवर इन रेज को रिसीव करता है और इन रेज को रिसीव करके इनकी जो सोलर एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का मतलब जो भी हीट एनर्जी जो आती है वो वाटर को दिया जाता है और उस वाटर को देने के लिए हीट एक्सचेंजर तक जाने के लिए यहाँ पे एक स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है स्टीम जनरेटर या हीट एक्सचेंजर को बोला जाता है जहां पे वाटर की जो हीट होती है उस हीट को हम स्टीम में बनाने के लिए या स्टीम बनाने के लिए हम हीट को क्या करते हैं एक्सचेंज करते फ्रॉम वन कंटेंट कंडेंसर कंडेंसर भी आप सभी को पता है कंडेंसर क्या करता है टू कूल द टीम यानी जो टीम आती है उस टीम को कूल cool करने का काम करता है कंडेंसर स्टीम टर्बाइन स्टीम टर्बाइन का काम होता है जो स्टीम बनती है उस स्टीम से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करना यानी टर्बाइन को रोटेट करना और एक बार टर्बाइन रोटेट हो गया नाउ दिस टर्बाइन बी कपल्ड विथ अल्टरनेटर ये अल्टरनेटर के साथ क्या होता है कपल्ड होता है जिसके वजह से क्या होता है जो भी टर्बाइन मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम होता है

वो सारा का सारा वर्किंग इसी एक ही डायग्राम के ऊपर वर्क करता है सो so फर्स्ट यहाँ पे सोलर कलेक्टर फील्ड दिया हुआ है यहां पे आपको जो भी सोलर कलेक्टर का पावर प्लांट पूछे आप वो सोलर कलेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए चाहे पैराबोलिक पूछे तो पैराबोलिक चाहे अगर टावर पूछे तो टावर थ्रू या डिस्क पूछे तो डिस््रू अब ये सोलर कलेक्टर फील्ड क्या करेगा इस सोलर एनर्जी से हीट एनर्जी लेगा और उस हीट एनर्जी से क्या होगा यहाँ पे जो लिक्विड आएगा कोल्ड लिक्विड उस कोल्ड लिक्विड को हॉट लिक्विड में कन्वर्ट करेगा अब ये जो हॉट लिक्विड है वो कहां लेके जाते हैं स्टीम जनरेटर में स्टीम जनरेटर इज नथिंग बट कॉल्ड एज अट एक्सचेंजर इस हीट एक्सचेंजर में फिर क्या होता है ये जो आया हुआ जो हॉट फ्लूड है ये अपनी जो हॉटनेस है यानी जो अपनी हिट एनर्जी है ये हिट एनर्जी वॉटर को देगा और जिसके वजह से इस हिट एक्सचेंजर का जो वॉटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा अब इस स्टीम को हम क्या करते हैं यहां से स्टीम को हम टरबाइन की तरफ ले जाते हैं जिसके वजह से स्टीम टरबाइन क्या होता है रोटेड होता है और स्टीम टरबाइन रोटेड होने के वजह से नाउ टरबाइन इसका पल्ड विथ अ तो, जनरेटर और अल्टरनेटर जिसके वजह से अभी अल्टरनेटर क्या होगा रिवॉल्व होगा और योर इलेक्ट्रिसिटी शुड बी जनरेटेड यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी जनरेट हो जाएगी अब यहां से जो एग्जॉस्ट टीम निकलेगी वो एग्जॉस्ट टीम को अपने को फिर से दोबारा कूल्ड करना पड़ेगा और उसको कूल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं जो भी यहाँ से जो एग्जॉस्टी आती है उस एग्जॉस्टीम को यहाँ कूल्ड किया जाता है और इसको कूल करने के लिए हम सरफेस वाटर का इस्तेमाल करते हैं और सरफेस वाटर का जो वॉटर होता है वो जब गर्म हो जाता है उसको कूल करने के लिए फिर यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं कूलिंग टावर का इस्तेमाल करते ये अगर आप देखोगे तो यहां से आपकी जो सारे के सारे प्रोसेस है वो एज इट इज थर्मल पावर प्लांट के जैसे ही है यानी सेम ये थर्मल पावर प्लांट ही है बस यहाँ पे हीट एनर्जी अपन कौन सा इस्तेमाल करते हैं सोलर के हीट एनर्जी इस्तेमाल करते हैं थर्मल पावर प्लांट में न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम एज अ कोल या फिर न्यूक्लियर आइटम का इस्तेमाल करते हैं हीट एनर्जी के लिए लेकिन यहाँ पे सोलर कलेक्टर प्लांट में सोलर का इस्तेमाल किया जाता है हीट एनर्जी के लिए नहीं तो बाकी की जो प्रोसेस है वो एज इट इज सोलर एज इट इज अपने कोल जो थर्मल पावर प्लांट है वो थर्मल पावर प्लांट के समान ही है तो ये एक सिंगल स्केमेटिक डायग्राम है आप इसी स्केमेटिक डायग्राम से कोई भी अगर आपको अगर पावर प्लांट सोलर कलेक्टर पावर प्लांट अगर पूछता है किसी भी टाइप्स का तो आपको इसी स्कीमेटिक डायग्राम को ड्रॉ करना है और उसको सिंपली आपको एक्सप्लेन करना है अगर मैं यहाँ पे पैराबोलिक थ्रू अगर पूछता हूं तो इसके जगह पे मैं क्या करूंगा पैराबोलिक थ्रू को अटैच कर दूंगा जैसे ये नेक्स्ट डायग्राम है जिसमें मैंने मैंने क्या किया? यहां मैंने क्या किया, Attach किया, किया। पे पैराबोलिक थ्रू को अटैच बाकी के जो के सारे जो कंपोनेंट है वो एज इट इज आपके पहले ही स्केमेटिक डायग्राम के एज इट इज है तो कोई भी आपको सोलर कलेक्टर पूछ ले आपको ये सिंगल स्केमेटिक डायग्राम निकालना है और सिर्फ आपको क्या करना है इस सोलर कलेक्टर फील्ड के जगह आपको जो भी यहां पे सोलर कलेक्टर पूछेगा उस टाइप का सोलर कलेक्टर यहां पे आपको क्या करना है अटैच करना है ठीक है तो जैसे ही पैराबोलिक थ्रू सोलर कलेक्टर होता है सेम फंक्शन होता है थ्रू सोलर कलेक्टर का भी और सिमिलर फंक्शन होता है टावर थ्रू सोलर कलेक्टर प्लांट का भी तो ये एक टावर थ्रू सोलर कलेक्टर प्लांट है देखिए यहाँ एक टावर दिया हुआ है ऊपर में कलेक्टर दिया हुआ है ये रिफ्लेक्टर है यहाँ से सोलर एनर्जी क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी इस कलेक्टर में आएगी कलेक्टर में सोलर एनर्जी जो है बहुत मात्रा में क्या होती है जनरेट होती है अब ये सोलर एनर्जी क्या करेगा हीट एनर्जी को

कन्वर्ट करता है फिर ये जो स्टीम है ये स्टीम जाती है अपने स्टीम टर्बाइन में स्टीम टर्बाइन में जाने के वजह से इसको रिवॉल्व होता है रिवॉल्व होने के वजह से अल्टरनेटर रिवॉल्व होता है और अल्टरनेटर रिवॉल्व होने के वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है अगेन ये एग्जॉस्ट स्टीम है ये कंडेंसर में भेजा जाता है कंडेंसर एंड कूलिंग टावर में और फिर ये कंडेंसर से दोबारा स्टीम जो है ये कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट होती है और वाटर में कन्वर्ट होकर दोबारा हीट एक्सचेंजर में अपन इसको स्टीम के लिए प्रोड्यूस करने के लिए हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं अब ये जो हॉट हॉटकूलर से जो गर्म वाटर आया था ऊपर से टावर से वो गर्म वाटर अपनी जो हीट है ये हीट एक्सचेंजर में इस वाटर को देता है जिसके वजह से वो खुद कूल cool होता है ये दोबारा cool कूल का ऐसी है जो यहां से को जो है टावर से ले जाके हीट एक्सचेंजर को देने का काम करता है ठीक है तो ये एक प्रकार का हॉट कूलेंट जो है ये ओनली एक जो है ट्रांसफर द हीट हीट ट्रांसफरिंग का काम करता है ठीक है तो दोस्तों हॉट जो अपन ने इसके पहले जो स्केमेटिक डायग्राम पढ़े और ये वाली सेम है सिर्फ आपको क्या करना है सोलर कलेक्टर आपको वेरियस टाइप्स के सोलर कलेक्टर के जगह पे सोलर वेरियस टाइप्स के सोलर कलेक्टर अटैच करना है नहीं तो सारे के सारे सोलर कलेक्टर प्लांट का जो फंक्शन है वो सेम है टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी टू हीट एनर्जी हीट एनर्जी शुड कन्वर्ट द वॉटर इन द स्टीम देन स्टीम कैन बी प्रोड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी बाय यूजिंग टर्बाइन एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज गिवन टू अल्टरनेटर एंड अल्टरनेटर कैन कन्वर्ट दिस मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो ये तो था सोलर कलेक्टर

सोलर एनर्जी कैसे होती है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ठीक है तो पहला एडवांटेज क्या है हिट लॉसेस आर लेस कॉन्सेंट्रेट कलेक्टर में अपना हिट लॉसेस बहुत ही कम होते हैं ठीक है नेक्स्ट इफिशियंसी इसकी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे हिट एनर्जी के अमाउंट ज्यादा होती है क्योंकि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं तीसरा है द कलेक्टर एरिया इज मोर देन एब्जॉर्बर एरिया जो कलेक्टर एरिया है वो एब्जॉर्बर एरिया से कैसा है ज्यादा पे कलेक्टर एरिया एरिया और एब्जॉर्बर दोनों सेम होते हैं फ्लैट टाइप में में लेकिन concentric में ऐसा नहीं होता कलेक्टर एरिया ज्यादा होता है एब्जॉर्बर एरिया से नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर इज ऑपटेन यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा ऑप्टेंड होता है क्योंकि सारा का सारा हीट एनर्जी एक जगह कॉन्सेंट्रेट होती है जैसे भिंग होता है ना भिंग में अगर सोलर एनर्जी को अपन लेते तो एक पॉइंट निकलता है एक पॉइंट से भी क्या होता है जलना चालू होता है तो ऐसे ये भिंग समान काम करता है कि सारी की सारी जो सोलर के रेडिएशन है वो एक पॉइंट में लेके आ जाए देन सुटेबल टू जनरेट द स्टीम ओवर फ्लैट जो फ्लैट टाइप जो कलेक्टर है ये कभी भी अपना स्टीम को प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन कंसनट्रेट कलेक्टर जो है वो स्टीम प्रोड्यूस करता है देन हिट इंसुलेशन कॉस्ट इज ऑल्सो लेस यहाँ पे इंसुलेशन का cost भी कैसा होता है मिनिमम रिक्वायर्ड होता है एब्जॉर्बर अपन ने देखे फ्लैट टाइप कलेक्टर में एब्जॉर्बर के लिए अपन क्या रखते हैं प्रोटेक्शन लगते है ग्लास का कवर रखते है लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन रखने की जरूरत नहीं है सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेट कलेक्टर ओवर द फ्लैट टाइप कलेक्टर नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है व्हाट आर द रीजन ऑफ वेरिएशन इन सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ एंड द रिसीव एट द आउटसाइड ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी जो एटमॉस्फेयर होता है यानी पृथ्वी के ऊपर में एक एटमॉस्फेयर की लेयर होती है उस एटमॉस्फेयरियल लेयर के ऊपर की जो रेडिएशन है और सोलर रेडिएशन जो अर्थ पे पहुंचती है इन दोनों में डिफरेंस क्यों होता है वेरिएशन क्यों होता है तो वेरिएशन का मेन रीजन है दो मेन रीजन है एक है एब्जॉर्बशन और दूसरा होता है दूसरा रीजन है स्कैटरिंग एब्जॉर्बन का मतलब होता है कि जब सनरेज जब अपनी एटमॉस्फेयर में आती है तो एटमॉस्फेयर में आने के वजह से जो सीओ टू गैस होते हैं वो सीओ टू गैस क्या करते हैं इसमें से इंफ्रा रेड अल्ट्रावाट रेज जो है ये सारी चीजें क्या करता है एब्जॉर्ब करता है जैसे अपनी ओजोन लेयर होती है ओजोन लेयर जो सोलर रेडिएशन में से क्या करती है जितनी भी हार्मफुल रेज है उन सारों को क्या करती है एब्जॉर्ब करती और बची हुई जो रेडिएशन है वो अर्थ की तरफ भेजती है दूसरी चीज ये है कि स्कैटरिंग स्कैटरिंग का मतलब होता है अगर आपके अगर कोई भी सोलर रेडिएशन अगर डायरेक्टली अर्थ पे नहीं आएगी उसके पहले उसको एटमॉस्फेयर पे वाटर वेपर मिलेंगे डस्ट मिलेंगे ठीक है अब ये वाटर वेपर और डस्ट के वजह से क्या होता है जैसी अपनी रेडिएशन उस वाटर वेपर या डस्ट के ऊपर आके गिरती है वो सोलर रेडिएशन क्या होती है स्कैटर होती है स्कैटर का मतलब होता है रिफ्लेक्ट होना रिफ्लेक्ट हो जाती है और इधर उधर रिफ्लेक्ट होने के वजह से जिस जो जितनी रेडिएशन अपने को अर्थ तक पहुंचनी चाहिए उतनी रेडिएशन अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है और इन्हीं दो कारण के वजह से कभी भी अपना जो रेडिएशन है जो एटमॉस्फेयर के बाहर का रेडिएशन और एटमॉस्फेयर के अंदर का रेडिएशन यानी अर्थ पे पहुंचने का इन दोनों में वेरिएशन आपको नजर आते हैं नाउ इस अभी तक इस वीडियो में हमने सोलर पावर प्लांट के बारे में पढ़े कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट के बारे में पढ़े इसके मेन पार्ट्स के बारे में पढ़े देन हमने एक एडवांटेज भी पढ़े सोलर पावर प्लांट के दीज आर द टू असाइनमेंट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है नाउ व्हाट आर द प्रोग्राम आउटकम मैपिंग सो दिस इज द प्रोग्राम आउटकम मैपिंग This topic will be helpful for the basic knowledge, discipline knowledge. Then here the diagram. So individual practice also satisfied. Then it will be used for the environment sustainability. Then communication also satisfied. PO10 is a lifelong learning also satisfied. And PSO1, it is nothing but the topic for program specific outcome one, that is a power system. A power system se kasa hai related hai. So in this video Abita kapane. जो कॉन्सेंट्रेट सोलर पावर प्लांट के बारे में पढ़े अभी तक अपन सारी चीजें सोलर एनर्जी के बारे में पढ़े इन नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट द बायोमास पावर प्लांट सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच